सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अर्बन थ्रॉटर्स एंड आई होप थिंग्स आर गोइंग गुड। सो आज मेरा गोवा में सेकेंड डे है। मैं कल रात में गोवा में आया हूँ। अगर आपने मेरा पुणे टू गोवा का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थोड़ा सा सर दर्द है अभी क्योंकि प्रॉपर नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। एंड ये मेरा होटल है, होटल का नाम है बेलेजा डे गोवा बीच रिजॉर्ट। ये कलंगट बीच के साइड में है और यहाँ से बीच हार्डली 500 से 600 मीटर पे है। सो बीच अच्छा है, होटल भी अच्छा है, रीज़नेबल रेट पे मिल गया, ऑफ सीज़न है। एंड हम दो लोग रुके हुए हैं तो बार्गेन भी हमने अच्छे से कर लिया है। और अब एक बार होटल देख लो, तुम्हें भी अगर आप यहाँ आओगे गोवा में कलंगट बीच साइड, बागा बीच, कलंगट बीच, ये सब नियर बाई में, तो आपको यहाँ पे ये होटल अच्छे रेट पे मिल जाएगा अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो। सीज़न में आई डोंट नो क्या प्राइस है, बट ये पूल साइड है एंड ये रिसेप्शन है एंड ये एरिया रूम का है। एंड इनकी तीन बिल्डिंग्स है आई गेस, ये फर्स्ट है, वो सामने भी है एंड ओपन पार्किंग है। तो आप यहाँ पे उस वे में आना, उस माइंडसेट से आना कि आपको पार्किंग अंडरग्राउंड या फिर ऐसे नहीं मिलेगी, ओपन पार्किंग ही मिलेगी। तो ये कलंगट बीच आई गेस नाम है, हाँ कलंगट बीच, मुझे नाम सही से प्रोनाउंशिएट करने नहीं आ रहा है, बट ये कलंगट बीच है गोवा में। हमारे होटल से कुछ 500-600 मीटर पे है। साफ बीच है, क्लीन है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं है। और तो अभी फिर से बारिश आ गई है। स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग टू कैप्चर ऑल दिस मूमेंट्स। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कलंगट बीच जो कि उस साइड में है, अगर आप उसको क्लीन कर रहे हो तो इसको भी क्लीननेस रखो यहाँ पे प्रॉपर। तो टाइड्स मैं आपको आगे से थोड़ा दिखाता हूँ। अच्छा है, अब अगर आप यहाँ पे पार्किंग अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो पार्किंग थोड़ी देख के लेना, क्योंकि लोग अपने मन का चार्ज कर रहे हैं एंड उसके बाद से वो ये भी बोल रहे हैं कि आपकी व्हीकल के कोई सेफ्टी नहीं, उन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ वो कैमरा भी लगाए हुए हैं। तो आप हर तरीके से कन्फ्यूज रहोगे कि करे कि ना करे। तो मैंने अपनी बाइक पार्क नहीं की है जहाँ पे उन्होंने पार्किंग का चार्ज 50 रुपीज़ बाइक चार्ज के बोल रहे थे। तो एक पर्सन रोड पर पार्क करा रहा था, मैंने वहाँ पर पार्क की हुई है बिकॉज हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है। मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। लेट्स सी। अरे मेरे पैर पे ही है। ओके बैठो का ओके ओके ओके। कितनी देर का है भाई? ओके तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एंड एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ चार्ज किए हैं इसके, 20 मिनट के लिए 100 रुपीज़ काफ़ी अच्छे हैं।
मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम करा रहे हैं। स्टिल मुझे बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज दुखी हो रही है पैर में, आवाज नहीं कर रही है फिर भी। तो मजा भी भाई भाई तुम बैठ डाल दो, सारी इधर आ रही है, ऊपर आ रही है खाली। और इसका रिएक्शन अलग है अभी तो। भाई 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 राम भाई राम उसका रिएक्शन बहुत अलग है। मैं तो बियर कर भी रहा हूँ फिर भी ये ऊपर आ रही है और ऊपर आ रही है और ऊपर स्नो पार्क है जो बागा बीच के जस्ट बगल में ही था थोड़ा सा। सो जाते हुए मैं ये चीज़ मुझे दिखी तो मैं बोला कि अभी यहाँ पे हो लेता एक बार। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी है एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चार्जेस हार्डली 500 हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये UPI पेमेंट नहीं लेते हैं। तो आप अगर आ रहे हो तो या तो कैश लेके आओ या फिर अपने साथ कार्ड रखो क्योंकि वही यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। अरे अगर मेरा जो भी वॉइस है वो अगर थोड़ी भी स्लो आ रही है तो नेक्स्ट लेवल ठंडी है यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। गोवा जो है वो सुंदर काफ़ी है, आपको सन जो हीट है वो देखने को नहीं मिलती है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर अपने साथ रेनकोट रखो या फिर यहाँ पे नॉर्मल हर शॉप पे आपको पोंचो मिल जाएगा वो रखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बारिश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर भी ओके बहुत ज़्यादा टाइट है। Royal Enfield डुग डुग